स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि जम्मू विश्वविद्यालय नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर का युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। वो इसलिए क्योंकि जम्मू विश्वविद्यालय की जब हम एडमिशन की नीतियों को लेकर देखते हैं तो वह बहुत बड़ा एक उसमें लूपहोल देखने को मिलता है, क्योंकि जब ही जो 4 साल का कोर्स चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, उसमें जम्मू यूनिवर्सिटी ने फिफ्थ सेमेस्टर की एडमिशन के लिए क्राइटेरिया सेट किया है और उस क्राइटेरिया में कुछ ऐसा है कि आपका फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर पूरा पास होना चाहिए, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में आपकी इंटरनल असेसमेंट पास होनी चाहिए, तब जाकर आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और जो नोटिफिकेशन 6 तारीख को निकाली जाती है प्रशासन द्वारा, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि जब प्रशासन फिर से एक नोटिफिकेशन निकालता है 7 तारीख को, वह विद्यार्थियों के हित में नहीं होती है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका विद्रोह करता है और वह नोटिफिकेशन छात्र के हितों में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर उस नोटिफिकेशन को हम देखते हैं तो उसके तहत विश्वविद्यालय में आने वाला बच्चा बिल्कुल कम हो जाएगा, कॉलेजों में पढ़ने वाला बच्चा अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मैं पूछना चाहूँगा इस प्रशासन से, इन सरकारों से, कि क्या वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर का युवा क्या घरों में बैठा रहे, क्या स्ट्रेस में जाए, क्या डिप्रेशन में जाए, क्या गलत रास्ते पर चले। मैं कड़े साफ शब्दों में कहूँगा, अगर जम्मू कश्मीर का युवा गलत रास्ते पर जाता है तो उसका जिम्मेवार ये सरकार होगी, ये जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन होगा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस नीति को बदला जाए और छात्र हितों की बात की जाए, जो स्टूडेंट चाहता है उसकी बात की जाए। जो स्टूडेंट कैंपस में एडमिशन लेता है, क्यों उसको उतनी देर कैंपस में नहीं रहने दिया जाता है, क्यों ऐसे क्राइटेरिया बनाए जाते हैं जिससे 70-80% कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज से ही बाहर हो जाए, यूनिवर्सिटी के अंदर ना पहुंच पाए। हम पिछले कुछ सालों के ग्राफ अगर देखेंगे, जो जम्मू विश्वविद्यालय में एडमिशन हुई वह ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि जम्मू विश्वविद्यालय समय समय पर सिर्फ और सिर्फ ऐसी पॉलिसियाँ लेकर आया जिनमें स्टूडेंट्स के फेवर की कोई बात नहीं हुई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उसके खिलाफ हमेशा प्रदर्शन किया। क्या डीन ऑफ अकेडमिक अफेयर की बात करें, क्या वाइस चांसलर की बात करें, हम सबके पास गए, लेकिन इन पॉलिसियों को लेकर उनका कोई भी सही जवाब नहीं आया। जब तक ये पॉलिसियाँ नहीं बदली जाती हैं, विद्यार्थी परिषद एक कड़ा विद्रोह करेगा, यहाँ से नहीं हिलेगा। पहले 6 तारीख को एक क्राइटेरिया निकाला जाता है, 7 तारीख को दूसरा क्राइटेरिया निकाला जाता है। जो 6 तारीख का क्राइटेरिया था उसमें सारे बच्चे समर्थन करते हैं, लेकिन जो 7 तारीख का क्राइटेरिया है पूरा जितने भी जीडीसी के कॉलेज के बच्चे हैं वो उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जो बच्चों के हित के लिए हो, जो बच्चों के खिलाफ हो उस पॉलिसी को हमने क्या करना है। और इस पॉलिसी के हिसाब से बोल रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, थर्ड सेमेस्टर में 50% क्राइटेरिया होना चाहिए। मतलब ये रातों रात बदल जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि इनको रातों रात कहाँ से ये दिमाग में चीज आती है कि कोशिश नहीं करते हैं और अचानक ही सारा चेंज कर लेते हैं। हमारी ये निवेदन है जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पे गौर किया जाए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पहले था उसको ही रखा जाए, ताकि बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं हो। अगर